नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूं आप लोगों के सामने। अगर ऐसे ही शुरू करोगे तो कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्रीडम पास हो गया आप। मैं आपको लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि एक दिन हम ये बोल सके अपने मन से कि आज हमें नौकरी नहीं जाएंगे, आज हम घर पे रहेंगे जितनी हमारी लाइफ बची हुई है, कि नौकरी नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी की लाइफ जिएंगे। वो दिन कब आएंगे, उस दिन के लिए जो सिस्टम बिठाना है वो कम से कम भी आपको 20 से 30 साल लगेंगे अप्रोक्सीमेट। वो दिन भी आपका आ जाएगा जितने में आप अपनी लाइफ बची होगी, वो आराम से चिल करके जी सकोगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ फाइनेंशियली डिपेंडेंस ये क्या होता है, कि जब तक हम दूसरे पे डिपेंड रहेंगे फाइनेंशियल तौर पे, मान लो अपने फादर पे है, अपने भाई पे है या अपने कलीग पे है, जब तक हम इसको अपने आप पे नहीं लागू करेंगे, जब तक हम नहीं फ्री हो सकते कभी भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बढ़िया सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और नौकरी के साथ साथ में कुछ ऐसा प्रोग्राम भी ढूंढना पड़ेगा जिसके अप्रोक्सीमेट कुछ और पैसे भी हम कमा सकें। दूसरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरी, कि आपके अगर लोन की पेमेंट है तो उसको खत्म कर दो। अगर आप खत्म नहीं करोगे तो एक ना एक दिन आप ही खत्म हो जाओगे। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। खत्म मतलब आप फाइनेंशियल तौर पे बिल्कुल जीरो हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है, बैंक में गए आपको बोलेंगे 10 मिनट में लोन ले लो जी, आप बोलोगे जी ठीक है, आपने लोन ले लिया। आप कितने सालों के लिए गिरवी होगे, 10 से 15 सालों के लिए आप बैंक को पैसा दोगे, कमा के आप जीरो पे रहोगे, आ ही नहीं सकते ऊपर, क्योंकि बैंक लेगा आपका 8 से 10 हजार रुपये लोन का, जो कभी आप चुका ही नहीं पाओगे। अगर किसी चीज के लिए लोन चाहिए तो आपको क्या करना है, अगर लोन चाहिए तो आप बना के चलो कि मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है या मकान बनाना है या बच्चे की एजुकेशन है, तो उसके लिए आप पहले से दिमाग लगा के चलो कि लोन की जो पेमेंट जो आप 8 से 10 हजार रुपये वहां डालोगे, उसका आधा हिस्सा भी अगर आप सेव करना स्टार्ट कर दोगे तो आप करीब करीब मान के चलो 30 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, लोन जिसके ऊपर भी है कृपया करके इसे पहले खत्म कीजिए, और क्रेडिट कार्ड अगर है तो उसका बिल पे करके और उसको खत्म कर दे। और नेक्स्ट विजिट में आपने आना है, सेविंग टिप्स बताने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, जब तक हमें आदत नहीं पड़ेगी 1000-2000 रुपये सेव करने की, जब तक हम सेविंग की हमें आदत नहीं पड़ती, जब तक हम सेव कर ही नहीं पाते, क्या होगा कि हमें डेली के डेली सोचना होगा कि हम सेव कैसे करें। सेव का मतलब, मान लो आपने 1000 रुपये सेविंग करनी स्टार्ट कर ली, अगर साल भर भी अगर आप सेव कर पाते हो पर सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको करीब करीब मिलेगा 4% ब्याज। तो सेव करने की पहले तो आदत डालो, और महीने, 2 महीने, 3-4 महीने तकलीफ होगी, पर आपके पास जैसे ही पैसे आने स्टार्ट होंगे आपको बड़ी ही खुशी महसूस होगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कि आपको सेविंग की आदत डालनी है। मान लो पहले महीने आपने 100 रुपये करे, फिर अगले महीने 200 करे, अगले तीसरे महीने 1000 किए, फिर 5000 करे, फिर 6000 करे। करना क्या है, हर साल 10% आपने सेविंग में और प्लस करने हैं, ये भी याद रखना। और एक एमरजेंसी फंडों के बारे में बताना चाहूंगा। एमरजेंसी फंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम भी आपके पास में 6 महीने की पेमेंट एडवांस होनी चाहिए। 6 महीने के मतलब, मान लो आपके पास 10 हजार रुपये मिलते हैं तो करीब करीब आपके पास में 60 हजार रुपये आपके पास में पेमेंट होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप, मान लो कभी कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, या आपको कहीं जाना पड़ जाए, 2-3 महीने आप काम ना कर सको, चोट लग जाए, कोई भी मान के चलो आप, तो 6 महीने का अगर आपके पास होता है तो आप सोच सकते हो कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है। और इस आगे मैं बताना चाहूंगा कि ये पैसे हम कहाँ लगाएं, जहां से हम फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो जाए, चिल करके जिए लाइफ को। आप सुबह उठो, नाश्ता पानी किया, आज भाई घूम के आना है, कहीं भी घूम के आ सकते हो आप, जब आप फाइनेंशियल तौर पर फ्री हो गए तभी घूम के आ सकते हो, अदरवाइज आप कहीं नहीं जा सकते। आप क्या रहोगे, 8 घंटे के सर्कल में ही रहोगे, सुबह 9 बजे उठे और शाम को 9 से 6 की पीरियड चलता रहेगा आपका। क्या होगा कि आपको भाई सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार होए, वहाँ पर ड्यूटी पे चले गए, फिर आपने फिर से तभी स्टार्ट की, और फिर उससे आप फिर घर पे आ गए, ऐसे ही लाइफ चल जाएगी। करीब करीब 60 साल हो जाएंगे, 58 साल को आपको रिटायरमेंट कर देंगे, और आप घूम के देखोगे अपने पीछे तो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आप लगे तो इस चक्कर में रहेंगे, और इस चक्कर में अपने को
15 से 20 या 30 साल भी अगर हम लगा देते हैं उसके बाद भी हम इतना पैसा जमा कर लें जिससे अपने को ये कह सके भी मैं आज के बाद नौकरी नहीं करूंगा। उसके लिए क्या करना है आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको केवल और केवल 3,000 रुपये बचाने हैं। 3 को ज्यादा बड़ी रकम नहीं बता रहा मैं, केवल और केवल 3,000 रुपये बचाने हैं। वो कहाँ पे लगाने हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। ना तो आपको सेविंग अकाउंट में लगाने हैं, ना आपको RD करनी है, और ना आपको FD करनी है, और ना ही आपको PPF में पैसा लगाना है। आपको लगाना है किसमें, म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में SIP में पैसा लगाना है आपको। वो किस लिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि जो म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाओगे वो आप क्या कहाँ पे जाएगा आपका, SIP में। SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने 3,000 रुपये की। SBI बैंक में बोलना है कि मेरे को SIP करनी है भाई, 3,000 रुपये की स्टार्ट कर दो। जो भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगे आप सर्च मार के देख सकते हो, गूगल पे स्मॉल कैप है, ब्लू चिप है, कोई भी पसंद आया आपको, जो भी SBI का चुनना आपने, SBI का SIP करना है, जो भी करीब करीब 3,000 रुपये के लिए 18% का रिटर्न है। करीब करीब मैं मान के चलता हूँ 30 साल तक आपने पैसा लगाया, आपने लगाया 10,80,000 रुपये केवल और केवल 30 साल में। कितना लगाया, 10,80,000 रुपये, और आपको कितने रुपए मिलेंगे, 4,29,00,000 रुपए। मैं कहता हूँ इतना पैसा कभी भी आप जमा नहीं कर पाओगे। सोच सकते हो आपका 3-4 हज़ार रुपये EPF में कट भी रहा होगा। जो भी बंदा नौकरी कर रहा है उसको पता है EPF में के अंदर में उसका 3-4 हज़ार रुपये कट रहा होगा। पर आप देखो कि गवर्नमेंट आपको ये नहीं कहेगी कि आप लो जी 30 साल, करीब करीब 33 साल नौकरी करता है बंदा, पर 4,00,00,000 रुपये नहीं मिलेंगे आपको। तो इसके लिए क्या करना है आपको, SBI में जाना है, बोलना है SIP करनी है जी मेरे को 3,000 रुपये की, और जो भी बढ़िया SIP लगे, जो भी म्यूचुअल फंड बढ़िया लगे उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड में ही मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि देश का करीब करीब मान के चलो 101% पैसा शेयर मार्केट में लगता है। ये भी एक शेयर मार्केट का हिस्सा है, पर SIP में क्या होता है कि करीब करीब 250 कंपनियां होती है इनके पास में, स्मॉल म्यूचुअल फंड में। वो क्या करती है आपके थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाती हैं, जो कि पैसा आपका डूबने का बहुत ही कम खतरा होता है। रिस्क की जरूर है पर आपका पैसा इतना डबल होकर निकलेगा। देखो रिस्क में जिंदगी चलनी होती है अपनी, पर अगर आप बहुत हल्का सा अगर रिस्क ले लेते हैं तो जिंदगी में पैसों से आप फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट SIP के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।